Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. We are at day six. दिन कैसे कट रहे हैं? गुड मॉर्निंग पीपल, ऑल द वे फ्रॉम नुब्रा वैली. कल रात को आपको बराबर टेंट नहीं दिखा पाई थी, देख लो. सो राइट बिहाइंड मी इज आर टेंट. आई गेस दिस इज बेटर. ये बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, ये एंगल का बड़ा इशू होता है. सुबह हो गई है, 11 डिग्रीज द टेम्परेचर, और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. ब्रेकफास्ट करके आपको मिलती हूँ. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए हमने बहुत अच्छे से नहाया भी है. Best. है ना? दिखाओ शक्ल, दिखा के बात करो. यो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, सच में लगना चाहिए नहाए. ये आ गई तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ठीक है, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज. दिस इज ज्योति वाविया एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. यार ये चीज़ तो मैंने पिछले दो तीन ब्लॉग में बोली नहीं है, आपको वेलकम ही नहीं किया. देखो यहाँ पे मंडली जमी हुई है. वेल सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि कल रात की नींद कितनी परफेक्ट हुई है सबकी. बट सचमुच कल बहुत ही अच्छी नींद आई सबको. बट टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन था. इट वॉज ऑलमोस्ट 1 डिग्री. हम सब बेड में घुस गए थे अंदर और ट्राई कर रहे यार कि ठंड ना लगे. बट बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. मैं सुबह उठ गई 5:30 बजे एंड आई गेस ऑलमोस्ट सब जल्दी ही उठ गए थे. हम बहुत सिंसियर टूरिस्ट हैं, यू नो. चलो चलो उनसे भी पूछते हैं. गाइस, हम बहुत सिंसियर टूरिस्ट हैं कि नहीं? हाँ, yes. समय से पहले रेडी होके बैठ जाते हैं. yes. देखा, हम इतने डेडिकेटेड हैं हमारी ट्रिप पे. ये है हमारी मॉडल जो डर गई. कर 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 स्वैग में करेंगे सबका स्वागत. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. भैया आपने कल बहुत अच्छा गिटार बजाया था और बहुत अच्छे से गाया भी. हाँ. बहुत मजा आया. थैंक यू. और यहाँ का खाना भी बहुत बेहतरीन था. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. अभी तक तो सफर काफी बढ़िया चल रहा था, पर अभी फिलहाल हम ये ट्रैफिक में फंस गए. ये फर्स्ट ट्रैफिक मिला हमको, वो भी बहुत ही लंबा चलेगा आई गेस. सो क्योंकि वहाँ दूर तक गाड़ी खड़ी हुई है और हमारी गाड़ी यहाँ पे है. हम जाने वाले थे हॉट स्प्रिंग वाटर देखने, पर यहाँ से 80 किलोमीटर है, काफ़ी दूर है, तो वो साइट सीन कैंसिल हो गया है. तो पहले हम वहाँ जाएंगे जहाँ भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई थी, और खारदुंगला पास उसके बाद जाएंगे. ट्रैफिक से जल्दी निकलना इम्पोर्टेंट है. पता चला 3-4 घंटे के लिए यहीं अटक गए तो फिर अटक ही जाएंगे. सब बहन लोग अंदर बैठी हैं. ये कुछ कुछ निषाद जी ने कल उल्टियाँ की थी और आज शायद नहीं होगा उनको. कैसे पता? मुझे पता ही नहीं होगा, तूने दवाइयाँ खाई है. बाय गॉड ग्रेस हमको सिर्फ 45 मिनट्स का ट्रैफिक मिला और फिर हम पहुँचे इस ब्यूटीफुल पॉइंट पे. आपने वो भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है? उसमें फरहान अख्तर, पता है, वो बांध के बेल्ट रन करता है, उसकी शूटिंग यही पॉइंट पे हुई थी, यहाँ पर. ये देखो, आपको बताती हूँ, वो बोर्ड भी है. चल के जाना पड़ रहा है, धूप काफ़ी है. We both know how to swim, no worries as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the... अभी मैं यहाँ पे करने वाली हूँ ATV राइड, जो मैंने मैग्नेटिक हिल पे नहीं किया था, और मेरी पार्टनर है संस्कृति, तो हम दोनों साथ मिलके ये राइड करेंगे.
चाहिए। एटीवी राइड एट भाग मिल्का भाग पॉइंट इज हाईली रिकमेंडेड। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, और ये बहुत ही सच बात है। जब भी रोड पर ड्राइव करें तो स्पीड लिमिट पर करें ताकि जर्नी अच्छे से गुजर जाए। और अब हम पहुंचने वाले हैं खारदुंगला पास। दिस पास इज एट द एलिवेशन ऑफ 5,359 मीटर, दैट इज 17,582 फीट। फेमसली नोन एज द गेटवे टू नुब्रा एंड शोक वैली, इट इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। एडवेंचर बाइकर्स फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ आर कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड विजिट दिस माउंटेन पास ऑन देयर मोटरसाइकिल फॉर एन एडवेंचर सोक्ड एक्सपीरियंस। खारदुंगला पास वॉज बिल्ट इन 1976। इट वॉज ओपन्ड टू पब्लिक मोटर व्हीकल्स इन 1988, मेंटेन्ड बाई द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दिस पास इज स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट टू इंडिया एज इट इज़ यूज टू कैरी सप्लाईज टू द सियाचिन ग्लेशियर। टू रीच खारदुंगला पास इज नॉट ईजी। वी हैव टू क्रॉस मैनी डेंजरस रोड विथ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोसफियर, बट एट द एंड इट फील्स अमेजिंग टू स्टैंड ऑन द हाइएस्ट मोटरेबल रोड। अभी मैं वर्ल्ड के हाइएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पास पर खड़ी हूँ, और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स क्रॉस करने पड़े हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पर है। यहाँ पे ऑक्सीजन की इशू होती है। सी दिस, ये कैम्फर का बॉटल मैं कैरी कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं अभी आपसे बात भी कर रही हूँ, तो मुझे अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया गया है वीडियोज़ और फोटोज़ के लिए एंड टू एडमायर द ब्यूटी। दैट्स इट, फिर फटाफट उतरना है। बाय। Cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. और लंबे सफर के बाद हम पहुँचे इस ब्यूटीफुल होटल में। इस होटल का नाम है एशिया। ये होटल का एम्बियंस बहुत ही वंडरफुल था। ये मेरा है। आपका? हाँ। कम गाइस, कितना बड़ा लगेज अंदर लेना है हमको। ये है हमारा रूम। ओह गॉड, ब्यूटीफुल बेड, और हमने ये टेबल आते से ही गंदा कर दिया। जैकेट्स फेंक दिए, बैकपैक फेंक दिया क्योंकि हम बहुत थक गए। हीना अंकिता, अभी जा तू बाथरूम दिखा दे। दिस इज वॉशरूम। टीवी क्यों ऑन हो रहा है? नहीं देखना हमको टीवी। तो अभी प्लान हो रहा है ले मार्केट जाने का, क्योंकि हमको यहाँ का वो नेचुरल लिप बाम लेना है जो पेंडिंग है। साइट सीन वगैरह है नहीं तो हम फ्री हैं, तो ये डिसाइड हुआ है कि फ्रेश वगैरह होके मार्केट जाएंगे। हम कब से वो ऑर्गेनिक शॉप ढूंढ रहे हैं। लेट्स सी हमको लिप बाम मिलता है कि नहीं। हम लोग को एक ऑर्गेनिक शॉप दिख गई है। सो दिस इज द शॉप, लेट्स गेट इन। है क्या? यस, इकोलॉजिकल ऑर्गेनिक स्टोर ले के मेन मार्केट से पहले पड़ता है। ये शॉप में ऑर्गेनिक एप्रिकॉट लिप बाम, एप्रिकॉट स्क्रब, ऑयल, जूसेस सब कुछ मिलेगा एट अ वेरी रीजनेबल रेट। हमने ट्राई भी किया, बहुत अच्छा है। कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। So, aank band karke you can try it, you can buy it. Take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. लद्दाख मार्केट में सारे कैफेज 9 बजे बंद हो जाते हैं। इनफैक्ट वो कैफे के मेन डोर पे लॉक भी लगा देते हैं, क्योंकि 2 कैफे से यही एक्सपीरियंस हुआ हमारा। और यहाँ पे हमको अभी तक कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था, बट फिर हम स्ट्रीट पे घूम रहे थे और एक रेस्टोरेंट दिखा, बिरयानी हाउस, तो नीचे से ही हम आवाज़ दिए, भैया खाना है क्या? भैया खाना है क्या, खाना मिलेगा? और हम सब 10-12 जन हैं, तो उन्होंने बोला हाँ आ जाओ। तो जैसे ही हाँ बोला, हम सब भाग भाग के आए और अभी जस्ट ऑर्डर दिया है।
सब भूखे बैठे हैं, भूख के कारण ना कुछ हो ही रहा है, इतनी जोर से भूख लगी है मुझे बोलते हुए नहीं बन रहा है। इसे जब भी यहाँ आओ ना तो पहले सर्च करो कहाँ पे खाना मिल रहा है टाइम पे और कितने टाइम में वो सर्व करेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर। सीरियसली वो लोग सर्व करने के लिए काफ़ी टाइम लेते हैं, तो बस अभी खाना खाएंगे और होटल जाएंगे। हे गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इन केस आपने ये व्लॉग इन्जॉय किया तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन योर फेवरेट पार्ट। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो येस डू सब्सक्राइब इट, मुझे अच्छा लगेगा। अभी बज रहे कुछ 12 और सोना भी है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, हमको 7 बजे तक रेडी हो जाना है और हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ भी बढ़ना है। So that's it for this vlog, and as always I say, till the time, take care, be safe, bye bye. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be.